आज हम शुरू करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब हमें तो पता है कि लाइट एक वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये भी सब एटॉमिक स्केल पे रेडिएशन यानी वेव, रेडिएशन की को समझने के लिए हमेशा हम वेव्स कंसिडर करेंगे। रेडिएशन मतलब वेव्स ही होती है, वेव्स के फॉर्म में ही प्रोपोगेट करती है। हमें तो पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेव्स और पार्टिकल्स, मैटर मैटर मतलब पार्टिकल्स। सो दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल्स दैट शो प्रॉपर्टीज सच एज प्रॉपर्टीज दैट आर ऑफ वेव्स एंड प्रॉपर्टीज दैट आर ऑफ मैटर पार्टिकल्स। सो पर 19th सेंचुरी में ये साइंटिस्ट को पता नहीं था कि पार्टिकल्स इवन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वेव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक लाइट को एक वेव प्रूव कर चुके थे साइंटिस्ट। लाइट को वेव प्रूव करने के पीछे एक तो था मैक्सवेल्स ईएम वेव इक्वेशन, ईएम वेव इक्वेशंस एक रोल था मैक्सवेल्स ईएम वेव इक्वेशंस का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेस में प्रोपोगेशन के बारे में बताता था, कैसे प्रोपोगेट करेगी, किस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करेगी एंड किस वे में मूव करेगी, ये बताता था। ये सारी चीजें गाइड करती है ईएम वेव इक्वेशन मैक्सवेल की। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर ये लाइट जा रही है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट करेगी एंड एक बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब अंदर बाहर ऐसे एक वेव। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड साथ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। इस एग्जांपल में जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है एंड ई क्रॉस बी, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, तो ई क्रॉस बी डायरेक्शन होती है। तो ई क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ई क्रॉस बी एंड इस तरफ डायरेक्शन प्रोपोगेशन, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो लाइट के केस में भी ये फैक्ट ट्रू पाया गया एंड ईएम वेव हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऐसा नहीं है कि ईएम वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, पर लाइट एक ईएम वेव है, इसके लिए वो ईएम वेव की स्पीड से ट्रेवल करती है। हम उसे स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, पर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। इसलिए जब ये प्रूव हो गया कि लाइट विजिबल लाइट की स्पीड ये है एंड वो बाकी मैक्सवेल इक्वेशंस को भी फॉलो कर रही है, तो एक प्रूफ मिल गया था कि लाइट एक वेव है। एंड सेकंड था हेनरिच हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में उसने ईएम वेव के प्रोपोगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ईएम वेव्स को स्टडी किया था। उसमें भी ये दोनों, मतलब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, ये दो चीज की मदद से 19th सेंचुरी के एंड तक ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड वो वेव बिहेवियर शो करते हैं। तब तक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 19th सेंचुरी के मिड में इलेक्ट्रॉन्स तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, रेदर कॉइन नहीं हुए थे ये टर्म। तब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनमें से एक था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मतलब कैथोड रे ट्यूब उसकी इक्विपमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट में गैस से इसके अंदर
इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्टडी कर रहे थे। ये क्लोज है, सॉरी। तो गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को स्टडी करने के लिए क्या किया, ये दो इलेक्ट्रोड है, एक अपन मान लेते हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है एंड ये नेगेटिव। तो ये वाला एनायंस को एक्सट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एनोड, ANODE। एनोड का खुद का चार्ज होता है पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट एनायंस को करता है मतलब नेगेटिव आयंस को। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, कैथोड। इसका खुद का साइन नेगेटिव होता है एंड ये अट्रैक्ट कैटायंस को करता है, कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस। काफी लॉजिकल है क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक केसेस में। तो गैसेस के डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब गैसेस में करंट के फ्लो को स्टडी करने के लिए ये सेटअप कर दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल एयर को पंप आउट कर लिया पूरी तरह से, मतलब इसके अंदर का प्रेशर अराउंड था पी इज इक्वल टू जीरो, 10 to the power में लिखते हैं 10 to the power -3 mm ऑफ एच जी। हमें ये पता है कि 1 ATM, ATM is equal to 760 mm of Hg होता है। हमें ये पता है 760 mm of Hg is equal to 1 ATM, मतलब जो normal atmospheric का atmospheric pressure हम पे लगता है वो। तो इसमें इतनी कम, कितनी कम air है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे 6 orders कम है। ये 760 mm of Hg है, ये 10 to the power -3 mm of Hg है, मतलब माइक्रोमीटर, 1 micrometer of Hg है। तो इतने कम प्रेशर पे थोड़े से गैस के पार्टिकल्स होंगे, बहुत कम। जब अपन हाई वोल्टेज लगाएंगे तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये देखा कि एनोड के साइड पे, एनोड के साइड पे ग्लास पे फ्लोरोसेंट ग्लो आ रही थी पॉइंट्स पे अचानक से, मतलब जैसे ये पीछे ग्लास है इसका, इस ग्लास में यहाँ पे अचानक से फ्लोरोसेंट ग्लो आ रही थी अलग अलग पॉइंट्स पे पीछे वाले ग्लास में। तो ये एनोड पे, एनोड की तरफ जा रही थी एंड कैथोड की तरफ से निकल रही थी, मतलब अगर हम थोड़ा साइड से देखें तो ये रेज दिखती भी थी, नॉर्मली ऊपर से देखने पे नहीं दिखती थी, लेकिन अगर आप साइड से देखो तो ये रेज उस तरफ जाते हुए दिख रही थी। तो ये रेज को कैथोड से निकल रही थी, इसके लिए कैथोड रे टर्म इसके लिए दिया गया। अब कैथोड रे, उन्होंने ये पाया कि कैथोड रेज मटेरियल, मतलब जो भी हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही थी, और साथ में जो गैस है बीच में हमने वैक्यूम क्रिएट किया उसके बाद जो भी गैस डाली उस गैस के नेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी। मतलब आप या तो दोनों इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, इस तरफ नेगेटिव रख लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव, प्लस माइनस, ये ट्यूब है तो इसके बीच में जो भी गैस है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही थी ना, तो ये इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है, आप जिंक की स्लैब लगा दो, आयरन लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई भी मेटल की स्लैब लगा दो, ये मेटल पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी। मतलब ये एक यूनिवर्सल रे थी जो हर एक मटेरियल में पाई जाती है। विलियम क्रुक्स ने प्रपोज किया कि ये जो रे है, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, ये एनोड है ना, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसके चार्ज पॉजिटिव है, तो भी ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इसके लिए ये खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो विलियम क्रुक्स ने
बोला कि ये जो भी पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। एंड अब उसने प्रपोज तो कर दिया, अब इसको चेक कैसे करें? चेक करने के लिए जे जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यही सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, पर इस बार अगर हम इस तरफ से देखें ट्यूब को, तो ये एक ट्यूब है, जो भी एक सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्लैब लगी हुई है, देन साइड से तो ये वायर बस बाहर आते हुए दिखेगी, ये वो इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। अब साइड से इस व्यू में जैसे जे जे थॉम्सन ने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ई माइनस प्लस और ऊपर मैग्नेटिक, तो उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा दिया आपस में। फिर हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जो प्लेट्स लगी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स है, तो इन दोनों का एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, एंड यहाँ पे एक स्विच है, स्विच से आप हमेशा मॉनिटर कर सकते हो आपको कब ये फील्ड लगानी है, कब ये फील्ड नहीं लगानी। और ऐसे ही एक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स को ट्यूब के आसपास लगा दिया। अब इसमें क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, हम नेगेटिव के लिए कंसिडर करते हैं, हम पॉजिटिव के लिए कंसिडर कर लेते हैं, चलो अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा होता, ट्रेवल कर रहा होता, एंड हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते, तो ये नेगेटिव वाले प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता, पार्टिकल सीधा जाते जाते इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता, एंड नेगेटिव वाली साइड वॉल को जाके हिट करता। अगर पर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में ये पॉजिटिव वाली साइड को जाके हिट कर रहा था, वैसे ही हम अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करें और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपन कर दें, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करें, तो हमने ये पढ़ा है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वी क्रॉस आर इंटू मास, मतलब MVR होती है, जिसमें वी क्रॉस आर के डायरेक्शन में फोर्स लगती है, एक मिनट सॉरी, वी क्रॉस बी, फोर्स वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में लगती है, तो उससे उससे भी आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्यू वी क्रॉस बी होता है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर इससे हम, हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पता ही है कि ये एनोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, तो हमें वी डायरेक्शन के साथ पता है, बी बी की डायरेक्शन हमें पता है, हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बी की डायरेक्शन अभी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, बी की डायरेक्शन पता है, अब चार्ज पे डिपेंड करता है किस साइड फोर्स लगेगा। अगर एक पार्टिकल सीधा जा रहा है और ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेंगे तो पार्टिकल नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा और या ऊपर जाएगा, अच्छे से बनाते। अगर ये पार्टिकल सीधा जा रहा है, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल इस तरफ मुड़ जाएगा, सीधा जा रहा है, अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ मुड़ जाएगा। अब हमें वी पता है, बी पता है, अगर हम क्यू का साइन पता चल रहा है, चार्ज का साइन पता चल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा किस साइड फोर्स लग रही है, अगर फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है तो मूवमेंट पता चल जाएगी। अब यही चीज को हम उल्टा करें, हमें मूवमेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी, एक्सपेरिमेंट है, जिस साइड ग्लो आएगा, ये नेगेटिव पार्टिकल्स जब भी जहां भी टकराएंगे, यहां टकराएंगे या यहां टकराएंगे, तो जहां भी टकराएंगे वो हम, उससे हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो हम चार्ज का साइन पता कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से जे जे थॉम्सन ने एक चीज तो चार्ज का साइन निकाला और पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो विलियम क्रूक्स की जो हाइपोथेसिस थी उसने
हाइपोथेसिस दी थी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक तो ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गई, एंड सेकंड चीज थी ई बाय एम रेशियो, ई बाय एम रेशियो उस पार्टिकल के लिए जे जे थॉम्सन ने ई बाय एम रेशियो कैलकुलेट कर लिया जो भी पार्टिकल कैथोड रेज में था। ई बाय एम रेशियो की वैल्यू कैथोड रेज के लिए, हमें पता है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस टाइम तक ये टर्म कॉइन नहीं की गई थी इलेक्ट्रॉन्स, जे जे थॉम्सन ही बाद में ये टर्म कॉइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी कैथोड रेज के लिए ही पढ़ेंगे हम। कैथोड रेज का ई बाय एम रेशियो था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ई बाय एम है तो चार्ज पर यूनिट मास, तो कूलम पर केजी। ये ई बाय एम की वैल्यू जे जे थॉम्सन ने दी थी। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, एंड उन्होंने ये टर्म कॉइन की इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैथोड रे को उन्होंने ही नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ई एल ई सी टी आर ओ एन एस ई माइनस, ठीक है। अब इसी टाइम के अराउंड 19th सेंचुरी के एंड के अराउंड और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्यूब है, यूवी रेज को मेटल प्लेट पे शाइन किया गया है। ये मेटल प्लेट्स लगी हुई थी, इनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बड़ा प्लस ये माइनस, यहाँ से यूवी रेज लाई गई, डाली गई जो प्लेट पे टकरा रही थी। अब ये भी लो प्रेशर पे है, यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 mm ऑफ एच जी है, मतलब हम इस ऑर्डर को वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं, इससे कम करना फिर ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है ऐसे। लेकिन अब इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर है, साइड में लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। इतने कम प्रेशर पे एंड जब ये यूवी रेज स्ट्राइक की, तो एक जैसे यहाँ पे एक इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर, जैसे हम बल्ब लगा देते हैं, अगर ये बल्ब लगा हुआ है बहुत कम पावर लेने वाला, ऑब्वियसली ये घर के बल्ब तो बहुत एनर्जी लेते हैं, लेकिन एलईडी लगा है या कोई सर्किट लगा हुआ है, तो जब यूवी रेज ऑन की गई तो यहाँ से फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, करंट कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे तो बैटरी लगी हुई थी पर यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूस मीडियम था ना, पर जैसे ही यूवी रेज ऑन की गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे और सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने से यहाँ पे जो भी इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे अगर हम मान लेते हैं एक लाइट बल्ब लगा है तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, जैसे ही यूवी रेज ऑफ की वो बल्ब ऑफ हो गया। मतलब मेटल पे अगर हम यूवी रेज डाल रहे थे तो एक कंडक्टिंग मीडियम या इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे मेटल की प्लेट से, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। एक और एक्सपेरिमेंट में मेटल की प्लेट को हीट किया गया, तो मेटल की प्लेट को हीट करने से भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब ठीक है, कंडक्ट हो रही है तो प्रोटॉन्स भी तो निकल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी निकल सकते हैं, हम देख तो सकते नहीं थे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिर्फ फ्लोरोसेंस से पता चल रहा था जो इस एक्सपेरिमेंट में था नहीं। तो हर एक जो भी ये तीन केसेस में पार्टिकल्स निकले, एक तो सीआरटी, एक यूवी रेज ऑन मेटल, और एक है हीटिंग ऑफ मेटल्स। ये तीन केसेस में जो भी पार्टिकल्स निकल रहे थे, इन सबका ई बाय एम रेशियो कंपेयर किया गया, ई बाय एम रेशियो सबका सेम आ रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स सेम है,
एंड तब जे जे थॉमसन ने उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स टर्म कॉइन किया था, उसको नेम दिया था इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या पता था, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है एक चीज तो ये, एंड दूसरा हमें उनका ई बाय एम पता है, ई बाय एम रेशियो, या उसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट मास है ना। तो हमें पता है उनका चार्ज, साइन ऑफ चार्ज पता है, साइन ऑफ चार्ज पता है, एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज पता है, पर इतनी कम इन्फॉर्मेशन से तो कुछ हो नहीं सकता था। हमें अभी भी उसका मास नहीं पता था, उसका चार्ज नहीं पता था, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं पता थी, स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सारी चीजें अभी भी हमें नहीं पता थी। तो आर ए मिलिकन, आर ए मिलिकन, एम आई डबल एल आई के एन, आर एम मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ये रख कर देते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सेटअप पहले देखते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक बॉक्स लिया, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, लाइट सोर्स, ठीक है, मतलब सेल्फ सफिशियंट लाइट सोर्स है, यहाँ पे बैटरी चलने वाली, सिर्फ बॉक्स के अंदर लाइट होनी चाहिए उसके लिए। यहाँ पे एक टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप, यहाँ आई पीस, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ लाइट थी, ठीक है। ये तो देखना कैसे है वो हुआ। अब इसमें कर क्या रहे थे, यहाँ ऊपर से एक एटमाइजर, ए टी ओ एम आई जेड ई आर, एटमाइजर की मदद से ऑयल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स स्प्रे किए जा रहे थे। एटमाइजर करता क्या है, कोई भी आप फ्लूइड अंदर डालो तो उसके बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स रिलीज करता है। तो यहाँ से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज किए जा रहे थे, ठीक है। अब ये हो गया, एंड मैग्नेटिक प्लेट्स लगी लगाई थी उसने, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी थी जो एक डीसी सोर्स से कनेक्टेड था। ये वायर ऑब्वियसली सामने नहीं है, पीछे डीसी सोर्स से कनेक्टेड था, ऊपर के साइड पॉजिटिव था और नीचे के साइड नेगेटिव था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहीं भी नहीं बना सकते। यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा था जिसमें ऊपर के साइड पॉजिटिव था एंड नीचे के साइड नेगेटिव था। तो और एक यहाँ पे एक यूवी सोर्स भी है, यहाँ एक यूवी सोर्स है, यूवी सोर्स, एक बार देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के अपरेटस में क्या था। एक एटमाइजर है जो फ्लूइड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स करता है, एक यूवी सोर्स है जो यूवी लाइट फेंक रहा है, उससे यहाँ की जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी तो गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा। ये अभी तो हमें पता है पार्टिकल्स, लाइट की एक पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। ये हम आगे वैसे तो डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसी लेसन में पढ़ेंगे, पर फॉर द एक्सपेरिमेंट हम अभी मान लेते हैं कि लाइट पड़ने पे गैस आयनाइज हो सकती है। मतलब अगर गैस के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे ये यूवी रेस पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देगी, तो गैस के आयनाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इस ऑयल ड्रॉप्स में एकमलेट हो जाएंगे। यहाँ आई पीस है, यहाँ आई पीस से हम देख सकते हैं, एंड मतलब टेलीस्कोप जैसा ही है, माइक्रोस्कोप जैसा है, एंड एक डीसी बैटरी पे दो प्लेट्स लगी हुई है जिसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव। सबसे पहले तो बिना प्लेट को, बिना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए
ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल होंगे। तो हमने विस्कोसिटी चैप्टर में पढ़ा था लास्ट ईयर कि कोई भी अगर राउंड शेप ऑब्जेक्ट आर रेडियस का फ्लूइड में अगर ट्रांसवर्स कर रहा है तो एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्यों होती है? क्योंकि एक फोर्स लगता है 6πr ईटा v। कोई वी वेलोसिटी से आर रेडियस की स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ईटा विस्कोसिटी के मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है तो एक फोर्स लगता है उस पर 6πr ईटा v। इस फोर्स के कारण mg = 6πr ईटा v करेंगे तो एक टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। जब पार्टिकल पे लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स एंड नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ये जब बैलेंस हो जाएंगे तो पार्टिकल स्टेबल हो जाएगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा। उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो पहले तो उन्होंने बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ पार्टिकल्स को गिराया, एंड यूवी सोर्स भी बंद था तो ये नॉर्मल ऑयल ड्रॉप का मास आ जाएगा। तो वी टी हमें पता चल जाएगा क्योंकि हम आई पीस से देख सकते हैं, एक एक ड्रॉप पे फोकस कर सकते थे, इतनी पावर थी। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ईटा पता था, रेडियस हम देख के अप्रोक्सीमेट कर सकते थे, हम टेलीस्कोप से देख रहे थे। एटमाइजर में भी आप सेट कर सकते हो कि आपको कितने छोटे ड्रॉप्स चाहिए, पाई 6 एंड जी सब पता था, तो हम मास ऑफ ऑयल ड्रॉप्स निकाल सकते हैं। तो पहले ये, एंड देन यूवी सोर्स ऑन करके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, अलग अलग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके, जब कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही थी ऑयल ड्रॉप की, वीटी से नीचे जा रहा था ना, स्टेबल तो नहीं हो रहा था। पर अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने यूवी सोर्स ऑन कर दिया तो यहाँ की गैस आयनाइज हो गई, गैस आयनाइज हो गई तो एक ऑयल ड्रॉप में, एक ऑयल ड्रॉप कितना भी छोटा हो पर इलेक्ट्रॉन्स से तो छोटा नहीं होगा, तो एक ऑयल ड्रॉप पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो गए। जब भी ऑयल ड्रॉप या आयनाइज्ड रीजन में जा रहा था तो ऑयल ड्रॉप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो आयनाइज हुए हुए थे वो जाके जमा हो गए। अब आप अगर ये स्विच बंद कर दोगे तो क्या होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F = qE। ई नीचे की तरफ है और क्यू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है तो क्यू का साइन नेगेटिव है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर लगेगा, तो ये ऊपर के तरफ फोर्स लगेगा। तो एक बार तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी और फ्लूइड के कारण किस स्पीड से जा रहा है वो मेजर कर लिया, एंड अब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा के ड्रॉप की स्पीड को वेरी कर सकते थे। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू के लिए उन्होंने जब ये कैलकुलेशंस की तो उन्हें एक ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो भी चार्ज था पार्टिकल पे, ऑयल ड्रॉप में जो भी चार्ज था वो हमेशा सम कांस्टेंट टाइम्स ई था। ई मतलब कांस्टेंट टाइम्स सम नंबर था जो ई अभी हम बोल रहे हैं, और ये वैल्यू थी इसकी 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। मतलब उन्हें पता चला कि चार्ज क्वांटाइज्ड है इस नंबर के ही इंटीग्रल मल्टीपल्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज होगा 0.801 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज नहीं हो सकता था किसी भी ऑयल ड्रॉप पे, ये चार्ज नहीं हो सकता था। कोई भी चार्ज होगा तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, 1, 2, 3, 4 टाइम्स ऑफ ई होगा, मतलब के टाइम्स ऑफ ई चार्ज होगा, ये पता चला। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, एक तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो फर्स्ट QUANTIZATION क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल प्रूव हो चुका था तो इसका E/M रेशियो भी हम निकाल सकते थे।
ई बाय एम रेशियो एक्चुअली हम निकाल चुके थे, ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले किया ही था ना, गैस में, गैस पे यूवी रेज हमने जब डाली थी, कैथोड रेज निकले थे, तो ये कैथोड रेज के ही तो पार्टिकल है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑयल ड्रॉप पे जाके चिपक रहे हैं। यहाँ पे यूवी सोर्स है एंड एक आयनाइज, एक गैस है जिसे आयनाइज कर रहे हो, तो वो कैथोड रेज ही बन रही थी। तो कैथोड रे के जो पार्टिकल्स है वही इस पे जाके चिपक रहे थे ऑयल ड्रॉप से। तो हमें उनके बारे में ऑलरेडी पहले ये पता था, ई बाय एम की वैल्यू हमें पता थी, ये पता थी, और हमने अभी ये प्रूव कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली कि जो भी चार्ज होगा वो सब मल्टीपल्स ऑफ ई में ही होगा। तो मिनिमम जो भी मल्टीपल था उसे हमने ई की वैल्यू बोल दी। अब हमें ई बाय एम पता है और ई भी पता है, ई बाय एम पता है और ई भी पता है, तो हम एम निकाल सकते हैं, मतलब हम मास जो हमने लिखा था कि हमें क्या क्या नहीं पता, उसमें मास पता चल गया, चार्ज पता चल गया, एंड उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी पता चल गई, वो ई से 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, उससे छोटे नहीं हो सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट पता चल गई, चार्ज के बारे में पता चल गया, स्मॉलेस्ट यूनिट की जो चार्ज की वैल्यू कितनी है, एंड मास के बारे में पता चल गया, उसके स्पेसिफिक चार्ज के वैल्यू के बारे में। अभी हमने दो तीन तरीके से पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कैसे, अब हमने इसका कैथोड रे का नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। हम ये भी पता है कि हम ये यूनिवर्सल पार्टिकल है, इनका चार्ज पता है, इनका मास पता है। अब हम इन्हें प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखते हैं। दो तीन तरीके हमने पढ़े, एक तरीका तो यूवी रेज, यूवी रेज ऑन मेटल। सेकंड तरीका हमने पढ़ा हीटिंग ऑफ मेटल, ऑफ मेटल। थर्ड था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अप्लाई करके, पोटेंशियल डिफरेंस। सीआरटी में हमने यही किया था, सीआरटी में हमने दोनों साइड, सीआरटी में क्या किया था, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, यहाँ पे डीसी सप्लाई था, इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था लो प्रेशर पे, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम था, प्रेशर की वैल्यू बहुत कम थी, 10⁻³ ऑफ एचजी के ऑर्डर की। नियरली वैक्यूम कंडीशंस में हमने हाई वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट, इतने हाई वोल्टेजेस हमने जब अप्लाई किए तब यहाँ पे कैथोड रेज फ्लो होने लगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से कैथोड रेज फ्लो होने लगे। तो एक रीजन तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, एक हमने गैस पे यूवी रेज डाल के देख लिया, तो गैस या मेटल किसी पे भी आप यूवी रेज अगर इरेडिएट करो तो उसके कारण मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे। और थर्ड था हीटिंग, मतलब एक और वे है हीटिंग ऑफ मेटल,